मेयो मेडिकल और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जारी नर्सों की हड़ताल फिलहाल स्थगित हो गई है मांगों के संबंध में प्रशासन द्वारा लिखित आश्वासन मिलने के बाद नर्स काम पर लौट आई जिससे मरीजों और उनके परिजनों ने भी राहत की सांस ली है मेय मेडिकल और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जारी नर्सों की हड़ताल फिलहाल स्थगित हो गयी है मांगों के संबंध में प्रशासन द्वारा लिखित आश्वासन मिलने के बाद नर्से काम पर लौट आई है शाम की शिफ्ट ऐसी सभी ने ड्यूटी ज्वाइन कर ली इसके साथ ही मरीजों और उनके परिजनों ने भी राहत की सांस ली महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संगठन की ओर से पिछले सात दिनों से आंदोलन किया जा रहा था नर्सों की प्रमुख मांगों में स्वास्थ्य सेवा में नर्सों की नियमित भर्ती करने पुरानी पेंशन योजना लागू करने केंद्र सरकार की तरह ही नर्सिंग भत्ता देने स्वास्थ्य सेवा का निजीकरण नहीं करने प्रशासकीय बदली रद्द कर विनती बदली करने आदि का समावेश था नर्सों ने शुरुआत में तीन दिनों से एक घंटे का विरोध प्रदर्शन किया पश्चात दो दिन काम बंद आंदोलन किया लेकिन सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिए जाने के बाद मई से हड़ताल शुरू कर दी थी इस बीच मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा मेडिकल और सुपर्क में लगभग सभी मेजर ऑपरेशन रोक दिए गए वहीं गंभीर मरीज भी भर्ती होने से कतराने लगे थे शुरुआत में सरकार ने संगठन को चर्चा के लिए बुलाया ही नहीं लेकिन जब स्थिति बिगड़ने लगी तो मंगलवार से हलचल शुरू हुई कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ संजय मीरे बी न्यूज नागपुर